स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्यूटी विवेक ग्रेट ब्लॉग्स पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मसौढ़ी के गांधी मैदान में आयोजित हो रहे रावण वध समारोह की कुछ झलकियां दिखाऊंगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं, यहां पर अशोक वाटिका बना हुआ है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं रावण का लंका है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरी गांधी मैदान में खचाखच जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं भीड़ का नज़ारा। ऐतिहासिक गांधी मैदान, ये मसौढ़ी का दृश्य है दोस्तों, जो कि हर साल यहां पर इस तरीके का आयोजन किया जाता है। और इसी तरीके का दोस्तों हर साल इस गांधी मैदान में आपको जन सैलाब देखने को मिलता है। मसौढ़ी के गांधी मैदान में इस बार भी रावण वध आयोजन किया जा रहा है। आप यहां देख रहे हैं मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण का पुतला बनाया गया है, जो कि काफी खूबसूरत है। और चारों तरफ आप देख रहे हैं भीड़ का नज़ारा, कहीं भी एक इंच खाली नहीं है दोस्तों। हर जगह जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जन सैलाब। इसी तरीके का आयोजन दोस्तों यहां पर हर साल किया जाता है, और हर साल इसी तरीके का यहां पर जन सैलाब आपको देखने को मिलता है। छत हो या पेड़ हो या कहीं भी हो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से राम जी की सेना अब धीरे धीरे अब आने वाली है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, छत पर भी नज़ारा, काफ़ी मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है मसौढ़ी के गांधी मैदान में। और ये हमारे विश्वरंजन सर हैं, जो कि एक मसौढ़ी के समाज सेवी हैं, इनका हर जगह नाम है। और इन्हीं के उद्घोषण में जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। हर साल विश्वरंजन सर यहां पर इसी तरीके का अपने माइक के द्वारा लोगों को संबोधन करते हैं, और जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है पूरा गांधी मैदान का जर्रा जर्रा। तो इस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों, राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन हो चुका है रथ पर। आप देख रहे हैं बगल में हनुमान जी भी दिखाई दे रहे हैं रथ पर। राम और लक्ष्मण साथ में हैं बैठे हुए, आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। और यहां पर कुछ स्टेज बने हुए हैं, तो स्टेज पर भी गणमान्य लोग जो मसौढ़ी के हैं, SDO साहब हैं, DSP साहब हैं, मसौढ़ी के विधायिका हैं, सारे लोग यहां पर आपको स्टेज पर मौजूद हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां देख ले रहे हैं दोस्तों, राम जी और लक्ष्मण जी रथ पे सवार होकर के आ चुके हैं और पूरे गांधी मैदान का चक्कर लगा रहे हैं। और कुछ ही देर में दोस्तों आपको यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, हनुमान जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे से राम जी और लक्ष्मण जी और उनका बांदरी सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। इस तरीके से दोस्तों अब चारों तरफ रथ के द्वारा पूरे गांधी मैदान का चक्कर लिया जा रहा है। आगे आगे बांदरी सेना और पीछे से राम लक्ष्मण रथ पे सवार होकर के भ्रमण पे आ चुके हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, छत पर भी कहीं एक इंच जगह नहीं बचा हुआ है। चारों तरफ जो जहां है वहीं से शांति होकर खड़े होकर रावण वध का लुत्फ़ उठाने के लिए तैयार है दोस्तों। ये खचाखच भीड़, जन सैलाब उमड़ पड़ा है पूरे गांधी मैदान में दोस्तों, जन सैलाब। आप देख रहे हैं कहीं भी एक इंच खाली नहीं है, पूरे के पूरे गांधी मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भव्य नज़ारा, अद्भुत नज़ारा दोस्तों, अद्भुत। इसी तरीके से हर साल यहां मसौढ़ी के गांधी मैदान में किया जाता है दोस्तों रावण वध समारोह।
बहुत से मसौढ़ी के समाज सेवी हैं, जैसे विश्वरंजन सर हैं, राहुल सर हैं, कृष्णा सर हैं। अब आप कुछ ही देर में देखेंगे कि रावण के लंका में किस तरीके से हनुमान जी ने आग लगाया था, तो बस चंद ही मिनटों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से आप देख रहे हैं पैदल आगे आगे राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण, और पीछे से उनकी बांदरी सेना लंका में आग लगाने को तैयार। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, राम और लक्ष्मण का शानदार जोड़ी, सुंदर जोड़ी, और यहां पर हनुमान जी की भी एंट्री हो चुकी है। इस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों कि हनुमान जी किस तरीके से राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे हैं। अब कुछ ही देर में दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि रावण के लंका में आग लगने को तैयार है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं कि रावण के लंका अब धू धू कर जलने वाली है, जलना शुरू हो गई है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रावण की लंका धीरे धीरे जलने के लिए शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर आवाज आपको आना शुरू हो चुका है दोस्तों। पटाखों की गूंज से गांधी मैदान का जर्रा जर्रा आवाज से गूंज रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अब कुछ ही देर में अब आपको मेघनाथ के पुतला में आग लगाया जाएगा, और इस कुछ ही देर में मेघनाथ भी धू धू करके जलना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बांदरी सेना मेघनाथ के पुतले में आग लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, और इस तरीके से आग लगा दिया गया है दोस्तों। अब कुछ ही देर में मेघनाथ का पुतला जलना शुरू हो चुका है। जन सैलाब पूरे गांधी मैदान में, जन सैलाब आप देख रहे हैं कि जर्रा जर्रा कोना कोना भर चुका है, जन सैलाब उमड़ चुका है पूरे गांधी मैदान मसौढ़ी में दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि मेघनाथ का पुतला किस तरीके से जलकर राख हो गया। अब आप यहां देख रहे हैं कुंभकर्ण के पुतले को भी राम जी के बांदरी सेना ने आग लगा दिया है, और धीरे धीरे अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरीके से कुंभकर्ण का पुतला भी जलने लगा है दोस्तों, जलने लगा है, धू धू कर जलने लगा है दोस्तों कुंभकर्ण का पुतला। तो बहुत सारे दोस्तों इसका आयोजन करता है, मोनिश पटेल है, फिर आपको प्रतीक पटेल हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो दोस्तों हर साल इस तरीके का गांधी मैदान में आयोजन करते हैं और लुत्फ उठवाते हैं दोस्तों। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि आतिशबाजी का सुंदर नजारा, किस तरीके से आसमान में आतिशबाजी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आतिशबाजी का सुंदर नजारा मसौढ़ी के गांधी मैदान में। यहाँ दोस्तों हर साल इसी तरीके से इसका आयोजन करता पलटन सिंह, गोल्डी पटेल, उज्ज्वल दिलीप जी, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, गुड्डू जी। अब आखिरकार दोस्तों अब रावण बच गए हैं, तो कुछ ही देर में अब रावण के पुतले को भी बांदरी सेना के द्वारा आग लगाया जाएगा, और रावण भी धू धू करके चलने लगेगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि रावण के पुतला में भी बांदरी सेना ने आग लगा दिया है, अब पुतला जलने के लिए तैयार हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके से बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयादशमी पूरे मसौढ़ी में धूमधाम से मनाया गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रावण जलने के लिए तैयार है, जल चुका है फ्रेंड्स।